अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम NPM को अंडरस्टैंड करने की करेंगे कि नोड पैकेज मैनेजर क्या चीज़ है, नोड का मॉड्यूलर सिस्टम क्या है। हम अपना एक छोटा सा पैकेज भी बनाएंगे, उसको पब्लिश भी करेंगे, दूसरे कुछ पैकेजेस को यूटिलाइज करना भी सीखेंगे। ये बड़ी बेसिक्स हैं नोड के लिए कि आपके नोड के इकोसिस्टम को आप फुली अंडरस्टैंड करें और उसके डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, मल्टीपल एक्सपोर्ट्स आपको कैसे करनी है और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आज हम लर्न करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो ये है कि नोड का जो आर्किटेक्चर है उसको हम अंडरस्टैंड करें। तो से फॉर एग्जांपल कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे किसी एम्प्टी फोल्डर में index.js और इसके अंदर मैं console.log लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अंदर मैं कुछ भी माई कोड इज स्टार्टिंग और इसको रन कैसे करेंगे, उसको रिवाइंड कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लें, रिमाइंड रेट कि आप उसी फोल्डर के अंदर हैं जिस फोल्डर के अंदर आपने ये फाइल बनाई हुई है और इस फोल्डर के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रन करते हैं नोड स्पेस इंडेक्स। इंडेक्स मेरी फाइल का नाम है, तो ये वाला मैसेज जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था तो उसको वो आ गया। तो नोड की जगह पे मैंने आपको कहा था कि आप इंस्टॉल करें npm install -g nodemon, एंटर प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है nodemon space index। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे बार बार अपने कोड को इसको रिस्टार्ट ना करना पड़े नोड की एक फाइल को। तो इसका साइज़ भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके अब ये कुछ मैसेजेस nodemon पहले फेंकता है, इसको अगर आपको क्लियर करना हो तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कंसोल को सब पहले क्लियर कर लेता होता हूँ console.clear और इसको मैं सेव करूँगा तो मेरा ये कोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, दिस इज कॉल calculator.js, कैलकुलेटर को फोल्डर के नाम है। इसके अंदर मैं अपना इंडेक्स फाइल क्रिएट करता हूँ index.js। ओके ये जो फोल्डर है मेरा index.js के नाम से ये फाइल बनी हुई है। नोड एक्चुअली क्या करता है, नोड की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो ये लिंक मैं अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोड आपके हर फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले एक फंक्शन के अंदर रखता है और उस फंक्शन के ये पांच इनपुट्स हैं। इसका मतलब ये कि ये पांच इनपुट्स आपको हर फोल्डर के अंदर मिलेंगे, हर फाइल के अंदर, जो भी जिस फाइल को भी आप नोड से रन करने की कोशिश करेंगे। ये जो पांच हैं इनमें एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें रिक्वायर है, मॉड्यूल है, फाइल नेम है और डायरेक्टरी नेम है, डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम है और डबल अंडरस्कोर फाइल नेम है। तो कंसोल डॉट इसको हम इंडेक्स और जेएस फाइल को चेक कर लेते हैं पहले, वो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके अंदर तो मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग डबल अंडरस्कोर dir नेम इसको हम करेंगे, तो ये जो भी आपके करंट डायरेक्टरी नेम है वो आप को अगर किसी भी फाइल के अंदर सर्च करना है जब फाइल एग्जीक्यूट हो रही है तो डबल अंडरस्कोर dir name ही कर लें। डबल अंडरस्कोर फाइल नेम से आपकी करंट फाइल का नाम आ जाएगा, वो आपके पाथ के साथ ही आपका पाथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि ये जो index.js एक सादा फाइल है, ये भी बेसिकली एक मॉड्यूल है नोड का जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं नोड को। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीटली जो है वो यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्टेंट है मेरा सम, ये फंक्शन है, दो इनपुट मेरे से ले रहा है, एक इनपुट है ए और एक है बी फॉर एग्जाम्पल, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है A कॉमा बी। ओके नाउ इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस फंक्शन इन साइड माई इंडेक्स डॉट जे एस फंक्शन, हाउ आई कैन डू दिस, फर्स्ट थिंग इज दिस कि मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट
एक्सपोर्ट्स ओके इक्वल टू सम, ये मेरी सिंगल एक्सपोर्ट, दिस इज हाउ वी डू सिंगल एक्सपोर्ट ओके। अच्छा नौ, अगर मैं इस सम के फंक्शन को यूज करना चाह रहा हूँ इस index.js की फाइल के अंदर, तो वो मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूँगा? उसके लिए मुझे टॉप ऑफ द फाइल कॉन्स्टेंट सम इज इक्वल टू रिक्वायर का फंक्शन भी अवेलेबल होता है आपको, अगर आप इसके अंदर चेक करें आके तो आपको रिक्वायर भी मॉड्यूल स्कोप के अंदर मिलेगा, ये रिक्वायर ओके। रिक्वायर करेंगे, फोल्डर का नाम हम बताएंगे कैलकुलेटर डॉट स्लैश, फाइल का नाम बताएंगे कौन सी है हमारी कैलकुलेटर, अगर फाइल का नाम index.js है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंप्लीटली जो है वो स्लैश index.js हमें पूरी फाइल देनी पड़ेगी। तो ये सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, देखते हैं कि ये सम हमारा अवेलेबल है हमें ये नहीं है। इसमें फर्स्ट वेरिएबल के तौर पे मैं 3 और दूसरे के अंदर मैं 5 पास कर देता हूँ, लेट्स से कि मेरा रिजल्ट जो है सॉरी रिटर्न कर रहा था ए कॉमा बी, दोनों रिटर्न कर रहा था, इसको मैं प्लस करूँगा यहाँ पे ये प्लस बी, तो मेरा आंसर जो है वो मेरा 8 आ गया। इसका मतलब दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन मैंने सम का यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, ये फंक्शन हमें एक्सपोर्ट हुआ है इस फोल्डर के अंदर हमें मिला है आके। तो एक तो ये रिक्वायर ये चीज़ है कि आप लोग जो है वो इसको यूटिलाइज, अगर आपको अपने ही किसी फंक्शन को यूटिलाइज करना है तो उसको आपको कैसे एक अलग फाइल के अंदर रखना है, उस फाइल के अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू सम करेंगे, जो कुछ भी आप यहाँ पे भेजेंगे वो एक सिंगल कोई फंक्शन है या कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, तो वो उसी तरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ओके। तो ये एक इसको कहते हैं सिंगल एक्सपोर्ट, आपने एक फाइल के अंदर एक ही फंक्शन है और वो आपने फंक्शन रखा हुआ है। तो लेट्स से कि मैं इस फाइल को रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसका नाम मैं सम रख देता हूँ, सम डॉट जे एस ओके। नाउ दिस इज द फाइल जो कि मेरी सम डॉट जे एस की फाइल है, इसने एरर देना शुरू किया क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल अब मेरे पास नहीं है, तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस। रिमेंबर मैं कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट सम इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश सम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू सम करेंगे ओके। मेरा अगेन मेरा वर्किंग फॉर्म के अंदर है मेरा ये कोड, इसको मैं सम कर देता हूँ। अब नाउ द थिंग इज सॉरी ये उसने मॉड्यूल डॉट सम से उठाया, इसको मैं कैलकुलेटर से दोबारा कर लेता हूँ। नाउ द थिंग इज फर्स्ट मैं रिक्वायर कर रहा हूँ कैलकुलेटर को, उसके इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर मैं सम के लिए अलग से मैंने फाइल बनाई हुई है, उसको पहले एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ और वो उस फाइल को फिर वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। दिस इज हाउ वी इम्पोर्ट ए सिंगल एक्सपोर्ट। सम फंक्शन जो है मेरा वो उस पूरी फाइल के अंदर एक ही फंक्शन है और वो जो फंक्शन है वो इस index.js फाइल के अंदर मैं इस तरह से इम्पोर्ट कर रहा हूँ। लेट्स से कि सम के साथ साथ मेरे पास एक सबट्रैक्ट का फंक्शन है subtract.js, इसको मैं subtract कह देता हूँ और इस फंक्शन के अंदर से मैं subtract का फंक्शन जो है इस फाइल के अंदर से मैं subtract का जो फंक्शन है वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ओके। इसको भी मैं index.js के अंदर ही इम्पोर्ट करवा लेता हूँ ओके। मैं लाइन डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको मैं सम की जगह पे subtract और सब्ट्रैक्ट आ जाएगा ओके। नो ये सब्ट्रैक्ट अब यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है ओके, यहाँ से ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। नो व्हाट इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम वन सिंगल फाइल ओके। द थिंग इज
कि आपको या तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू इस तरह से करके सम के अंदर मैं रखवाना चाह रहा हूँ सम, और सब्ट्रैक्ट के अंदर मैं रखवाना चाह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। ओके, इस फंक्शन को, ये जो एक्सपोर्ट्स है मॉड्यूल और एक्सपोर्ट्स को हमें ये पास करना पड़ेगा, यानी अब वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा बल्कि एक फंक्शन नहीं जा रहा बल्कि दो फंक्शन जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैचेज हैं जो आपको देखने हैं। पहला कैच तो ये कि उसने एरर देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नाउ जो आपका इंडेक्स और जेएस के अंदर ये जो सम है, ओके, इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करवाऊँ यहाँ से, तो देखते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होके आ रहा है। एक्सपोर्ट्स हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। ओके, एक्सपोर्ट्स नाम नहीं रख सकते हम इसका, सब्ट्रैक्ट का, इसको हम फंक्स कह देते हैं। ओके, अब ये चेक करें कि ये जो मेरा कैलकुलेटर है, इसने अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया मुझे। ओके, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सम इंडेक्स के ऊपर एक फंक्शन है और सब्ट्रैक्ट इंडेक्स के ऊपर एक और फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन कैचेज हैं। अगर आपका वेरिएबल आपके ऑब्जेक्ट की और उसकी जो वैल्यू किसी वेरिएबल से आ रही है वो अगर सेम है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, सेम स्टिल हमारा आंसर सेम है, रिजल्ट हमारा सेम है। तो ये एक्चुअली ये जो सब्ट्रैक्ट है, ये तो सिर्फ एक वेरिएबल कोई एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हैं। ओके, दिस इज हाउ वी डू मल्टीपल एक्सपोर्ट्स। ओके, और इस मल्टीपल एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे, अब मुझे चूंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये सम नहीं, इसको मैं कैलकुलेटर कह देता हूँ। ओके, कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेटर डॉट सम, उसके सम इंडेक्स के ऊपर मेरे पास अब एक फंक्शन है, एक फंक्शन है सिंगल, इसको मैं 3 और 6 पास कर देता हूँ, तो ये आंसर उसका मुझे 9 दे देगा। सब्ट्रैक्ट को देखते हैं कि हमने ठीक किया नहीं, वो भी प्लस है, उसको माइनस कर लेते हैं। ओके, लेकिन हमें इसके रेफरेंस से पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक नहीं दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे, हमारे पास सम भी आ रहा है और ये तो जस्ट एक वेरिएबल नेम है, सम भी आ रहा है और सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है। नो, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर, एक सम है, सब्ट्रैक्ट है, इज इक्वल टू कैलकुलेटर। ओके, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में जो भी इंडेक्स सम का है उसकी वैल्यू उठा के सम में फेंक के एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। इसका के अंदर जो भी अगर सब्ट्रैक्ट के इंडेक्स के ऊपर कोई चीज आ रही है, तो उसको उठा के सब्ट्रैक्ट के वेरिएबल में फेंक देगा। तो हम सम को चेक कर लेते हैं, सम में क्या चीज आ रही है, क्या हमारा सम ठीक जा रहा है। ओके, हमारा आंसर 9 है, और सम की जगह पे मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3, और 3 -6 -3 आंसर आ जाएगा। ओके, ये लाइन भी अवॉइड की जा सकती है, ये वाली लाइन, हम वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करते, हम यहीं पे Ctrl+X Ctrl+V, और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन प्लेस कर लेते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लो। वी ऑलरेडी नो कि उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक सम आ रहा है और एक सब्ट्रैक्ट आ रहा है, तो मैं उसको सम और सब्ट्रैक्ट को यहां से निकाल दूंगा। दिस इज हाउ वी डू मल्टीपल इंपोर्ट्स। ओके, कंसोल डॉट, ये तो क्लियर है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके गाइस, दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर ओन पैकेज, और उसके अंदर सिंगल इम्पोर्ट्स कैसे करनी है, लाइक दिस वन, ये सिंगल इम्पोर्ट है हमारा, और दूसरा जो है वो मल्टीपल इम्पोर्ट्स कैसे करनी है। ओके, अब ये छोटा सा पैकेज हमारा एक बन गया है, जिसको नाम हमने कैलकुलेटर रखा हुआ है, और उसके अंदर एक इंडेक्स और जेएस की फाइल है जो हमारी बेसिकली एक्सपोर्ट करवा रही है सारे फंक्शंस को, और हमने दो अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं, उनको हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर किया हुआ है। Ctrl+C करके मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, CD करके मैं इसको कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ अपनी।
ओके, नो एनपीएम क्या चीज है? नोड पैकेज मैनेजर जो है वो किस चीज का नाम है? हम अपने किसी भी फोल्डर को एनपीएम के एक पैकेज के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं. ओके, तो एनपीएम आईएनआईटी, एनपीएम स्पेस आईएनआईटी इनिशियलाइज करवाना चाह रहा हूं मैं अपने इस फोल्डर को जो मेरा कैलकुलेटर गया है एनपीएम के पैकेज से, कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा ये जो फोल्डर है वो एक एनपीएम का पैकेज भी है. तो वो अब आपसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा. लाइक उसने मुझसे पूछा है यहाँ पे कि मैं पैकेज का नाम क्या रखना चाह रहा हूँ. कैलकुलेटर उसने फोल्डर के नाम से एडजस्ट किया, मैंने कहा ठीक है कैलकुलेटर, लेकिन इसको मैं चूंकि पब्लिश भी करना चाह रहा हूँ तो मे बी कैलकुलेटर के नाम से कोई पैकेज हो तो मैं इसको उस्मान डैश कैलकुलेटर कर देता हूँ. ओके, ये इसका वर्जन है 1.0.0. वर्जन के ऊपर भी डिबेट हम अभी करते हैं, वो भी डिफॉल्ट जाने देता हूँ. दिस इज ए टेस्ट एनपीएम पैकेज फॉर माय ऑनलाइन कोर्स, कुछ भी लिखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है. एंट्री पॉइंट्स पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस है, टेस्ट कमांड में भी नहीं दे रहा, गिट रेपो में भी नहीं दे रहा. कीवर्ड्स जो उसके हैं, कोई कीवर्ड दे दें, मैं इसको कैलकुलेटर कह रहा हूँ. ऑथर उस्मान लिख के सर्च कर लेते हैं. लाइसेंस हम कुछ भी रख लेते हैं. इज दिस ओके? यस. ओके, नाउ इसने क्या किया है, इस कमांड ने बेसिकली मेरे लिए एक ये फाइल क्रिएट की है पैकेज डॉट जेसन. उसके अंदर उसने जेसन फॉर्मेट के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन रखी हुई है. उस इंफॉर्मेशन के अंदर है नेम, मेरे पैकेज का नाम क्या है, उसका वर्जन कौन सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है. ओके, दिस इज द टेस्ट पैकेज फॉर माय ऑनलाइन कोर्स. और इंडेक्स डॉट जे एस उसका मेन एंट्री पॉइंट है. और स्क्रिप्ट उसके जो है वो ये वाले आ रहे हैं. कीवर्ड्स उसके मैंने कैलकुलेटर रखा हुआ था. और एक इफ यू डू नॉट वांट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस तो आप एनपीएम आईएनआईटी माइनस माइनस यस लिख के एंटर प्रेस करें तो ये आपसे क्वेश्चंस ही पूछेगा. डिफॉल्ट आपके सारी चीजें जो है वो एडजस्ट कर देगा. तो ये मैंने अपना एक पैकेज बना लिया हुआ है छोटा सा. तो ये मेरा एक एनपीएम का पैकेज है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज भी ऐड कर सकते हैं. इस ये फोल्डर पैकेज जो है वो अपनी डिपेंडेंसीज भी लेके आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम अपने जब यूज़ करना शुरू करेंगे एनपीएम को तो फिर उसकी हम डिपेंडेंसीज को भी देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको कौन कौन सी नहीं चाहिए. ठीक है, तो नाउ आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस एनपीएम पैकेज जो कि इसका नाम कैलकुलेटर है टू द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कोई अनोखा काम किया है और मैं सारी दुनिया को ये देना चाह रहा हूँ. एनपीएम स्पेस लॉगिन, ये आप एनपीएम जेएस डॉट ओआरजी के नाम से वेब पेज है. एनपीएम जेएस डॉट ओआरजी, एनपीएम जेएस ये है, यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें. मेरे पास मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे. पासवर्ड ओके, लॉग्ड इन एज एम उस्मान अकरम, एनपीएम जेएसओर, एनपीएम पब्लिश स्पेस पब्लिश. ओके गाइस, एनपीएम ने बेसिकली ये किया है कि उस्मान डैश कैलकुलेटर के नाम से उसने मेरा पैकेज जो है वो मेरा पैकेज पब्लिश करवा दिया है. और इसको मैं अगर सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं कि ये उस्मान डैश कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं. जीरो पैकेज फाउंड भी उसकी ये कैसे हुआ होगा उसका रिजल्ट. तो एक्चुअली मेरा ये इस पैकेज के नाम से जो है वो पैकेज पब्लिश हुआ हुआ है. सर्च करते हैं, शायद अभी आ जाए. नहीं आया. ओके, ये ऑनलाइन आ चुका है पैकेज. इसको हम अगर दोबारा पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपने ये वर्जन जो है आपका वो ऑलरेडी उस पर है. तो अभी हम वर्जन के ऊपर बहस नहीं करते. ओके, ये आ गया. नो, कैलकुलेटर को छोड़ दें. ये इंडेक्स डॉट जे एस है, इस फाइल के अंदर है. मैं अब वापस जाता हूँ सीडी स्पेस करके. ये
इस पैकेज को या तो हम इस तरह से यूटिलाइज करें, सही है, तो इसको मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कैलकुलेटर डैश टेस्ट के नाम से। इसके अंदर मैं इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज डाउन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं कैलकुलेटर डैश टेस्ट के अंदर आता हूँ, इसमें मेरी इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल है फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ आई वॉन्ट के किसी भी पैकेज को यूटिलाइज करना है आपको, तो मैं अपने पैकेज के अंदर जाता हूँ, जो मेरा अभी फोल्डर है एक्टिव है जिसके अंदर ये इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल है, npm install usman dash calculate। Added one package from one contributor and audited one package in 5.112 seconds. इसने actually क्या किया है कि एक तो पैकेज डैश लॉग फाइल किसने क्रिएट की, उसने कहा जी मैंने यहाँ से ये उठाया, उसने अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रख ली हुई है। ओके, सेकेंडली उसने ये किया है कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, और ये जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है ये उसके अंदर उसने ये चेक किया पैकेज और जेसन की फाइल, उसने अपने कुछ चीज़ें उसके अंदर एडअप की हैं, उसके अंदर उसने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी उठा के ले आया, उसके अंदर वो सम का फंक्शन भी उठा के ले आया, उसके अंदर उसने इंडेक्स डॉट जे एस का फोल्डर भी कॉपी कर लिया हुआ है। इस फोल्डर का नाम है बेसिकली जो उसने किया हुआ है, इस फोल्डर का नाम है उस्मान डैश कैलकुलेटर। ओके, नाउ आई वॉन्ट कि मैं इस फोल्डर को यहाँ पे मैं कोई और पैकेज भी फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो npm install lodash फॉर एग्जाम्पल। lodash इज वेरी फेमस लाइब्रेरी, इसको हम यूज करेंगे। तो एक तो मैंने अपना किया, एक मैंने और भी ऐड कर दिया। अब उसने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, सॉरी कंप्यूटर डैश टेस्ट के अंदर है, हाँ, उसने पैकेज डॉट लॉग के अंदर उसने lodash के भी इंफॉर्मेशन रख दी कि lodash जो है वो यहाँ से उठ के आएगा। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, उसने अब दोनों को अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर लिया, lodash का उसने अलग फोल्डर बना दिया हुआ है, उसके अंदर lodash के फंक्शंस हैं, और ये उसने उस्मान डैश कैलकुलेटर के नाम से फंक्शन बना लिया हुआ है। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल इनको यूटिलाइज करना है अब, तो npm सॉरी अगेन कॉन्स्टेंट, अगेन आई नो कि मेरा पैकेज जो है वो दो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, एक सम और एक सब्ट्रैक्ट। ओके, इज इक्वल टू रिक्वायर, अगेन रिक्वायर को हम उसी तरह यूज करेंगे, बट दिस टाइम उस्मान डैश कैलकुलेटर। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग सम 10 और 5 इसको मैं पास करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको मैं रन कर लेता हूँ, नोड मॉन डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस, और आंसर उसने मुझे 15 दे दिया। तो अब मैंने वही पैकेज जो मेरा ऑलरेडी एक साइड पे पड़ा हुआ है, और उस साइड पे पैकेज मेरा पड़ा हुआ है, और उसको मैंने यहाँ पे यूज़ करना शुरू किया है, सम फॉर एग्जांपल उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मेरा ये वर्जन है सम, और इसके अंदर जो है वो मैंने एडअप करना शुरू किया है। ओके, नाउ इस तरह हम lodash को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट lodash, सॉरी lodash इज नॉर्मली अंडरस्कोर इज इक्वल टू रिक्वायर, जस्ट फोल्डर नेम बताएं lodash। ओके, अब चेक करें कि जब मैं कैलकुलेटर को यूज कर रहा था पहले तो मैंने फोल्डर का नाम दिया था, अब मैं पैकेजेस के नाम देना शुरू हो गया हूँ, यहाँ पे उस्मान डैश कैलकुलेटर मैंने दिया है, यहाँ पे मैं lodash दिया है, तो हाउ नोड थिंक्स के नोड लोड कैसे करता है पैकेज को। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि आपका अपना कोई तो नहीं है फोल्डर जिसके अंदर से आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, अगर नहीं है तो फिर वो आपके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर देखेगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो अपने कोर मॉड्यूल्स के अंदर देखेगा, अगर वहाँ पर भी नहीं है तो फिर वो कोई और आपको एरर दे देगा। तो
हम वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं. कोर फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट करना है, कांस्टेंट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस. एफएस जो है फाइल सिस्टम का है, और ये जो आपका एफएस है ये इसके अपने बहुत से फंक्शंस हैं. मेमोरी, इसको हम फाइल सिस्टम को देख लेते हैं, यहाँ से एफ एस के कोई फंक्शन देख लेते हैं. फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है फाइल्स को रीराइट करने के लिए. तो फाइल सिस्टम के साथ साथ आप ओएस, इसका बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं ओएस कह देता हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको फेच करनी है तो ओएस डॉट फ्री मैम फॉर एग्जाम्पल है, तो इस वक्त मेरी फ्री मेमोरी कितनी आ रही है वो ये फ्री मेमोरी मेरी लोकेशन जो है वो दे देगा. तो वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं कुछ. दिस इज हाउ वी कॉल बिल्ट इन मॉड्यूल्स. ये इम्पोर्टेड है, ये मेरा अपना कस्टम मॉड्यूल है, स्मार्ट डैश के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है. तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मेरे ऑनलाइन ब्लॉग के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उठा के ले सकते हैं. अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल जो है वो एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की, और ये हमें बहुत से देता है, बिल्ट इन फंक्शंस देता है. फॉर एग्जांपल उसने हमें ये अंडरस्कोर, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अंडरस्कोर इंस्टॉल किया हुआ है, तो रिजल्ट मतलब इस एरे में 9 है या नहीं है तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें दे देगा. सॉरी, कोई एरर आ गया. डॉट कंटेन्स इज नॉट ए फंक्शन. सॉरी, जो कंटेन्स है ये लोडैश के पास नहीं है, ये अंडरस्कोर फंक्शन का नाम है मेरा. तो इसको मैं जो है वो कंट्रोल सी करके स्टॉप करता हूँ, और मैं अंडरस्कोर इंस्टॉल कर लेता हूँ. npm इंस्टॉल अंडरस्कोर. तो ये मेरा अंडरस्कोर को भी इंस्टॉल कर देगा मेरे इसी फोल्डर के अंदर. इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा अंडरस्कोर पैकेज भी इंस्टॉल हो गया. लोडैश की जगह पे मैं अंडरस्कोर इंस्टॉल कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, तो अब जो मेरा एरर है वो नहीं आएगा. उसने ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि वो 9 उसके अंदर एरर के अंदर है. तो एक पैकेज फॉर जो मैं इंस्टॉल कर बैठा हूँ, जैसे आप अक्सर होता है कि वो लोडैश के नाम से और लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको हमने अन इंस्टॉल किस तरह से करना है. तो cd calculator dash test npm uninstall lodash. और स्पेलिंग में करने का मैंने गलत कर लिया, अन इंस्टॉल लोडैश, ये लोडैश को मेरे उसमें से निकाल देगा. इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो लोडैश अब यहाँ पे नहीं होगा. और उसने पैकेज डैश लॉक के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन भी उसने रख लिया कि कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल है और कौन कौन सा इंस्टॉल नहीं है. एक और मैंने भी काम नहीं किया है, मैंने अभी इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है अपने पैकेज को. अगर मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा तो मैं अभी इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ. npm it माइनस माइनस यस, तो मेरा कैलकुलेटर डैश टेस्ट जो है ये भी हो जाएगा. इसके अंदर भी पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाएगी, और उसके अंदर इसने दोनों इन्फॉर्मेशन रखनी है कि किसका कौन सा वर्जन जो है मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ. अच्छा, अब इन तो समझना बहुत जरूरी है. सोर्स कंट्रोल को हम बाद में देखेंगे, फिक्सेस को. आपका जो भी वर्जनिंग है वो होती है मेजर डॉट माइनर डॉट पैच 1.0.0 या 5.4.0. तो आपको ये समझना है कि आप पैचिंग जो कर रहे हैं,
वो पैचिंग फॉर एग्जांपल क्या चीज है। पैचिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं जिस तरह मेरी ये लाइब्रेरी है कैलकुलेटर के नाम से, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने अभी दो चीजें हैं मेरे पास, अगर मैं कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा तो मैं माइनर वर्जन को नंबर को इंक्रीज करूंगा। ओके, माइनर इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डॉट जे एस। ओके, और इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट भी करवा देता हूँ, इनको हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इंडेक्स डॉट जे एस से मैं यहाँ पे मैंने जहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लिए तो मैं यहां से मल्टीप्लाई। नाउ द थिंग इज मैंने एक चेंज की है, चेंज मैंने ये किया कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग वर्जन के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी एड अप की है। ओके, किसी पुरानी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो मुझे बेसिकली पैचिंग करनी है। पैचिंग का मतलब ये है कि मैं माइनर को इंक्रीज करूंगा, अब 1.0.0 की जगह पे मेरा वर्जन हो जाएगा 1.1.1। ओके, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग पैकेजेस को लिस्ट करना है कि कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो दो काम हो सकते हैं, या तो मैं मैनुअली पैकेज डॉट जेजन की फाइल के अंदर अपना वर्जन जो है 1.1.0 करके इसको अप करूं, पब्लिश करूं, या फिर मैं ये करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे पब्लिशिंग पैकेज एनपीएम वर्जन मेजर या माइनर इंक्रीज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे या तो मैनुअली करूंगा या फिर मैं अपने पैकेज जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है उसके अंदर आता हूँ, एनपीएम वर्जन मेजर नहीं, चेंज नहीं है। मेजर चेंज होता है जब आप नाम वगैरह चेंज करते हैं, तो मेजर चेंज का मतलब ये है कि मैं सम मेजर चेंज भी अभी हम करते हैं, इसको अभी हम लेके आते हैं, तो मेजर माइनर और पैच। तो मैं वर्जन जो है वो उसको कर देता हूँ माइनर, मेरी माइनर चेंज है। ओके, अब मेरा वर्जन जो है वो 1.1.0 हो गया। ओके, अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, एनपीएम पब्लिश, अब ये मेरा पब्लिश हो जाएगा। ओके, लेकिन ऑनलाइन वर्जन पड़ा हुआ है 1.1.0, दैट मींस कि ऑनलाइन मेरे पास एक एडिशनल फंक्शन भी है। अब हम अपने टेस्ट के अंदर आते हैं, पैकेज डॉट जेजन के अंदर, इसको मैं टर्मिनल को किल कर देता हूँ, इस टर्मिनल को भी मैं किल कर देता हूँ। ओके, अब सीडी जिस जिसके अंदर हम यूटिलाइज कर रहे हैं यानी ये वाला, अब इसके अंदर अगर आपको चेक करना है फॉर एग्जांपल कि आपका वर्जन कौन सा अभी चल रहा है, लिस्ट डाउन करना है, तो एनपीएम स्पेस लिस्ट, इसका मतलब ये कि मैं इन दो वर्जन्स को जो है वो यूज कर रहा हूँ, अंडरस्कोर स्मॉल डैश कैलकुलेटर को 1.0.0 और अंडरस्कोर जो है मेरा वो ये वाला है। तो इसकी डेप्थ भी चेक की जा सकती है, मे बी आपका जो अंडरस्कोर है वो और भी मॉड्यूल्स को यूज कर रहा हो, उसका अपना नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल हो, तो उसके और भी पैकेजेस हो सकते हैं, तो उसकी डेप्थ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मॉन्गूस फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल किया जा सकता है, मॉन्गूस को भी हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। एनपीएम आउटडेटेड फॉर एग्जाम्पल अभी हम चेक करते हैं कौन कौन सा पैकेज मेरा आउटडेटेड है, उसने कहा जी कि आपका जो पैकेज है स्मार्ट डैश कैलकुलेटर उसका करंट वर्जन 1.0.0 है और वांटेड 1.1.0 है और लेटेस्ट जो है उसका ये वाला वर्जन है, तो आपके पास 1.0.0 इंस्टॉल है जहां पे मैं अपने जो मेरा कैलकुलेटर पैकेज है उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके, तो अपडेट किया जा सकता है, एनपीएम अपडेट हम करेंगे, एनपीएम अपडेट। इस अपडेट का हमें कोई लॉस नहीं है। ओके, लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि हम आई डू नॉट वांट कि मेरा ये जो सम है वो अब भी मेरा फंक्शन जो है वो ऑलरेडी चल रहा होगा, तो मैं इसको दोबारा से कैलकुलेटर के अंदर आता हूँ टेस्ट के अंदर और मैं नोड बाउन करके देखता हूँ, नोड बाउन डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। ओके, एरर आ गया,
नोड मेन नहीं है, नोड मॉन है, नोड मॉन। ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि जो मेरा अपडेट हुआ है वर्जन, उस वर्जन के अंदर मैंने नई चीज ऐड की है, किसी पुरानी को रिमूव नहीं किया। तो ये आप ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई नई चीज ऐड करते हैं तो आप माइनर के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं। ओके, इसके अंदर ये जो 1.1.0 है, तो ये 1. इस जो मिडिल वाला है, इस 1 के अंदर चेंज का मतलब कुछ और है, वो भी आपको बताता हूँ। इस 0 का मतलब है बग, अगर कोई बग आ गया है और आप उसको फिक्स करते हैं तो वो जस्ट इसको आप चेंज करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं सम को ऐड में अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, ऐड, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी सम की जगह पे फाइल का नाम है सम ही रख लेता हूं, लेकिन इसको मैं ऐड कर देता हूं। ओके, अब प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने अपनी लाइब्रेरी में एक ऐसी चेंज की है कि जिस जिस के पास मेरा वर्जन 1.1 से लेके 1.9 तक है वो तो काम करेगा, अब मैं, लेकिन अब मेरी चेंजेस जो है वो ब्रेक हो जाएंगी अगर मैं अभी इसको पब्लिश कर दूंगा। इन सच केस, ऐसे केस के अंदर फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, अगर मैं अभी इसको इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो मैं इसको एक फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अंदर जाता हूं, ये मेरा पैकेज है। अगर इस वक्त स्टेज पे मैंने इसको 1.1 कर दिया, ओके, जो कि हम इसको वर्जन माइनर फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीज कर देता हूं 1.2.0, ओके, तो क्या होगा कि मेरा एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जो यूज कर रही होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर सम का फंक्शन नहीं है, उनके पास तो ऐड का फंक्शन आ रहा है। ओके, इंस्टेड मैं क्या करूंगा, मैंने वर्जन को यूज नहीं करना है, मैं इसको वापस आता हूँ पैकेज डॉट जेएसएम को, तो मैं 1.2 की जगह पे 1.1 कर देता हूँ, इसको मैं 1 को मैं 2 करना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं माइनर की जगह पे करूंगा मेजर, अब जो मेरा वर्जन है वो कैलकुलेटर का वो मेरा सॉरी वो सेव नहीं थी फाइल, बाद में सेव हो गई है, इसको मेजर कर देते हैं, उसने 2.0.0 कर दिया, यानी अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ गए। इसको मैं पब्लिश कर देता हूं, सॉरी लिख लेते हैं npm पब्लिश, ओके गाइस, नाउ थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग हियर। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने जहां पे मेरा टेस्ट कर रहा था इस पैकेज को, यहां पे अब हम आउटडेटेड एग्जाम्पल करते हैं। उसने कहा जी कि वर्जन 1.1.0 है आपके पास, वांटेड भी यही है, लेटेस्ट 2.0 है। लेटेस्ट का मतलब ये कि अगर अब अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है, तो वो मेरे वर्जन को, जो मेरा वर्जन है उसको 2 पे नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेटर टेस्ट के अंदर हम देखते हैं इसके पैकेज डॉट जेसन के अंदर उसने क्या किया है, उसने मेरा वर्जन 1.1.0 ही रहने दिया है। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 पे ले जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, ओके, मसलन इसी का वर्जन 2 आपको इंस्टॉल करना ही करना है, तो आप npm install install usman-calculator at वर्जन लिखिए, कौन सा करेंगे आप, 2.0.0, ओके, उसमें उसने उस्मान 2.0.0 कर दिया, लेकिन मसला हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सम तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा वहां से, क्योंकि वर्जन हमने अपडेट कर लिया ना, तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगे जब आप आगे चल के नोड वगैरह के अंदर आएंगे, तो वर्जन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लाइब्रेरी का वर्जन 1. something यूज कर रहे हैं तो उसको इंक्रीज कर दें, जहां तक मर्जी इंक्रीज कर दें, लेकिन 2 पे नहीं जाने दें। क्यों? क्योंकि अगर 2 पे जाएंगे तो मेजर चेंजेस
से आपको इनकाउंटर होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डैश टेस्ट कर देता हूँ और टेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स और जेएस है, सम की जगह पे मैं ऐड यूज कर लेता हूँ। ओके सेव करते हैं। अब अगेन मेरा वर्जन ठीक है। ओके तो वर्जनिंग को समझना बहुत जरूरी था कि आप वर्जनिंग को बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करें। अपडेटिंग लोकल पैकेजेस, डेवलपिंग डिपेंडेंसीज भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जेएस हिंट फॉर एग्जांपल आपने करना है तो आपने npm install js hint minus minus save minus dev, ये सिर्फ डेवलपमेंट टाइम के ऊपर होगा, ये वैसे आपके पास नहीं होगा। तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भी अब हम बेस के अंदर भी आ रही है। तो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट पैकेजेस और उन पैकेजेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको हम इम्पोर्ट करते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। मैंने आपको एक पैकेज बना के पब्लिश करके भी दिखा दिया है। इसका जो एक डिसएडवांटेज ये होगा आपका कि आप मेरे पास बहुत ज्यादा फाइल्स हो गई हैं। ओके मैं जब अपना गिटहब यूज करूंगा, गिटहब डेस्कटॉप, उसने मेरे नोड्स को मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर से भी सारी फाइलें उठा के फेंक दी हैं। ओके उसके अंदर तो लिस्ट डाउन करें, अगर हम चेक करें तो ये बहुत सी फाइल्स हमारी ऐसी होंगी जो कि आप बाद में भी कभी भी इंटरनेट पे जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा और वो काम मेरा ये होगा कि मैं एक तो इस कंप्यूटर की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन ये तो ऑनलाइन चला गया हुआ है, इसको मैं अब डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट हो गया। ओके स्टिल कंप्यूटर डैश टेस्ट के अंदर आपके पास नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ डॉट गेट इग्नोर और इसके अंदर लिख देता हूं डॉट स्लैश नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर को इग्नोर करते। ओके अब उसने जैसे ही मैंने इग्नोर किया उसने नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर को इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर दिया उसने। ओके आपके पास जो फाइल्स आएंगी वो मैं अभी आपको इसको मैं कमिट भी कर देता हूं, लेक्चर 21 कमिट टू मास्टर पब्लिश। ओके आपके पास जो फाइल्स आएंगी उन फाइल्स के अंदर ये फोल्डर नहीं होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, ये नहीं होगा, आपके पास ये फाइल्स आएंगी। ओके कैरेक्टर डैश टेस्ट के नाम से। अब आपको करना ये है कि अब इसको आप जैसे ही रीरन करेंगे इस फाइल को तो ये एरर दे देगा क्योंकि उसके पास फंक्शंस ही नहीं है, वो आपके पास इंस्टॉल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर शेल के अंदर आता हूं, npm i एंटर प्रेस करें। जैसे ही आप npm i एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो जो भी फोल्डर्स मॉड्यूल्स आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखे हुए हैं वो आपको ये इंस्टॉल कर देगा। इसका मतलब ये कि ये जो पैकेज डॉट जेसन की जो हमारी फाइल है ये हमारी कोर फाइल है और इस फाइल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कोई भी नोड का पैकेज उसके लिए जो उसके जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड करवा के रखवाने के लिए। तो ये बेसिकली पैकेज मैनेजर है आपका। तो इसको मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो डजंट मैटर, अगेन कर लेते हैं डिलीट और यहाँ पे आप इसको npm स्पेस i करेंगे, आपके पास ये फोल्डर आएगा, आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है, npm स्पेस आए लिख के एंटर प्रेस करेंगे, आए और इंस्टॉल लिख के, तो वो आपके यहां पे जो पैकेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके और उन पैकेजेस को वो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपका कोड जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर आएगा। तो नॉर्मली हम नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उस फोल्डर को हम नहीं करते हैं, गेट के ऊपर नहीं रखवाते, तो क्योंकि फाइल्स हमारी थाउजेंड्स में चली जाती हैं और उन थाउजेंड फाइल्स को मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली आज हमने नोड को देखा है और नोड के अंदर बैबल फॉर एग्जांपल है, बैबल को हम यूज करते हैं, यूज होगा हमारे एक जावास्क्रिप्ट के वर्जन को दूसरे जावास्क्रिप्ट के वर्जन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हम इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे। बट यू शुड नो कि बैबल क्या चीज है, ये जब हम रिएक्ट के ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर हम बहस करेंगे कि बैबल जो है वो क्या चीज है। तो वेब पैक भी हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं हम देखेंगे। तो अगर और किसी भी पैकेज को अगर आपको यूज ग्लोबली इंस्टॉल करना हो तो माइनस जी आप लिखेंगे, जो जिस तरह हमने नोड बॉन इंस्टॉल किया है, या जेएस हिंट अगर आपको इंस्टॉल करना है
npm सॉरी npm i माइनस जी जे एस इंट, इसको ग्लोबली हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये लोकली इंस्टॉल नहीं होगा, ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा जे एस इंट जो है, और जे एस इंट को डिपेंडेंसीज के तौर पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आप फाइल को चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, तो हम जे एस हिंट इंडेक्स डॉट जे एस करके चेक कर सकते हैं कि आपके किस फाइल के अंदर यूज ई एस वर्जन 6 और मोजिला क्या आपको वो बता देगा कि आपका इस पूरी फाइल के अंदर कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा किस वर्जन के अंदर डिपेंडेंसी है और किस वर्जन के अंदर नहीं है। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट npm के npm क्या चीज़ है, हमने अपना एक पैकेज बनाया और उस पैकेज को हमने पब्लिश किया है, उसको यूज़ किया है। आई होप कि आप भी आप समझ गए होंगे कि npm बेसिकली वो क्या चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सप्रेस का यूज़ करना शुरू करेंगे।